मतलब इसके अलावा कोई अगल बगल और कोई क्षेत्र है या? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरीय चिकित्सालयों की स्थापना की गई, ताकि गांव में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोसाईपुर स्थित मातृ शिशु कल्याण केंद्र में डॉक्टर व एएनएम की नियुक्ति होने के बावजूद भी ये केंद्र पिछले 5 सालों से अधिकतम बंद ही रहता है। केंद्र बंद होने से आरती सहित कुल 20 गांव के 25,000 लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ आते तारा बंद ही मिलता है, खुला नहीं मिला। समस्या यही है कि टाइम से खुलता नहीं है, रात भर कोई दिक्कत पड़े सब लोग चोलापुर जाते हैं। तो वहाँ जाने में कोई समस्या होती है? समस्या होती है कि अगर रात भर कुछ हो जाए, गाड़ी सुन ना मिले तो कैसे सब जाएगा। अगर यहाँ पर खुलता तो इसी जगह हो जाता डिलीवरी, कोई भी दिक्कत परेशानी होता। तो यहाँ बिल्कुल नहीं खुलता है? खुलता है 10 महीने में 1 बार, 10 दिन में 1 बार ऐसे खुलता है। हमारे यहाँ बगल में मातृ शिशु कल्याण उप केंद्र है, जो करके महीने में शायद 1 बार भी न खुलता हो, ये ऐसा हमको मालूम है। और कभी खुलता भी है 10-5 मिनट के लिए तो हमें वो भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं, पहले ये काम होना चाहिए। तो भैया इसके ना खुलने से कितनी परेशानियाँ आप लोगों को होती होगी? हम लोग नहीं है घर पे, जैसे चले जाते हैं काम पे, मजदूरी करने चले जाते हैं तो घर पे औरतें रहती हैं, बच्चे रहते हैं, अगर इनको कोई तकलीफ हो जाती है तो हमें बुलावा होती है तो आते हैं, तो दूर दराज जाना पड़ता है। इसके लिए ये लोग अगर बगल में अगर हैं, अगर उसका लाभ हमें मिलने वाला है, सरकार हमें दे रहा है, तो ये हमें मिलता नहीं है। जब भी आप उनके पास जाइए तो सही से बात नहीं करते हैं लोग। यहाँ का मिडवाइफ सेंटर समय पर खुलता है? ना खुला, तो 8 दिन 10 दिन पर 1 घंटा खोली हन, तो इतना लोग को हर जैसे ऐसा तैसन मेहराबू बहन बच्चा और कहाँ जी हन, लेकिन भागा नहीं परानी जगह पहले पैसा ना बा, गर्मी तो हाथ छोड़ दे तो बा। तो आप लोगों ने कभी इन लोगों की शिकायत कहीं पे की? कहीं नहीं शिकायत कर दे तो ऊपर से मार खा जाए तब ना, हम लोग गरीब दुखिया ना चढ़ के जा जाए मार करें, जौन हमने की मिलेगा तो हम लोग खा पी के रह जाला। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग वाराणसी जनपद के सीएमओ के मोबाइल नंबर 94-15-30-15-13 पर कॉल करके दबाव बनाएं, ताकि यह अस्पताल नियमानुसार खुले। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।